वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको लेलैंड BS4 पंप फिटिंग के बारे में। अशोक लेलैंड BS4 गाड़ी है ये, पंप इसका फिटिंग करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसका गियर में पीले कलर का निशान जो दिख रहा है आपको, तो इसका गियर का पीले कलर का निशान जो है नीचे के साइड में रखना है, यानी नीचे स्टड जो लगेगा उसके दिशा में रखना है। तो उस दिशा में रखते हैं आप तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम लोग इंजन का टाइमिंग जो रखेंगे इसका और रखना है आपको 1/6 पे, उस टाइमिंग पे आपका पंप एक अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, यानी दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगा आपको, आसानी से बैठ जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका मैंने फ्लाईव्हील पे निशान दिया हुआ है 1/6, तो 1/6 पे मैंने इंजन का टाइमिंग रखा है। और पंप का ख़ास बात ये है फ्रेंड कि पंप में टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, पंप लॉक भी नहीं है, तो उसको आप घुमा सकते हैं जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं। तो ये पंप आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये पंप को फिटिंग करके रखा है, तो मैं इसको बाहर निकाल कर दिखाऊंगा आपको किस तरीके से कि आसानी से बैठ जाएगा। तो इस पंप का ख़ास बात यह है कि जिसका गियर आता है, पहले जो हमारे लेलैंड गाड़ियों में रोटरी पंप आता था, रोटरी पंप का जो सिस्टम आता था कुछ इसी तरह दिया हुआ है। इसका आगे का गियर जो आता है वो एक तरफ से गरारी है, समझ सकते हैं। तो ये सिस्टम बहुत आसान है फिटिंग करना पंप का, और एकदम छोटा पंप है, हल्का पंप है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पंप को मैंने बाहर रखा है, इसको बाहर निकाल कर रखा है, और एकदम आसानी से ये कैसे बैठ गया। तो जिस दिशा में मैंने बोला गियर को रखने के लिए, उस दिशा में अगर रखते हैं, पीला कलर जो इसमें जो आता है फ्रेंड, इसमें पीला कलर अगर नहीं भी रहता है, और इसमें मोटा सा इसमें इसका दांती जो आता है, गियर का दांता जो आता है गरारी का, तो उसको आपको नीचे रखना है, यानी पंप का जो स्टेड आता है नीचे उसके दिशा में रखते हैं आप, तो आपका पंप आसानी से बैठ जाएगा। अगर नहीं बैठता है तो इंजन को लेफ्ट और राइट घुमा सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका पंप बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पंप लॉक नहीं है तो आपका पंप थोड़ा वर्किंग करेगा तो बैठ जाएगा, वर्किंग करने के हिसाब से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर चाकियाँ लगाने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर मेन लाइन आएगा फ्रेंड, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वहाँ पे वायर आएगा, उसके ठीक नीचे आपको मेन लाइन लगाना है। तो कुछ यहाँ पे मेन लाइन का दिशा दिया हुआ है इसका। तो इसमें तीन स्टेड है, तीन नट आएंगे इसमें लगाना का है पंप में, 13 नंबर का या 12 नंबर का जो नट आता है वो लगाना है, उसके बाद ये मेन लाइन लगाना है। तो ये खास ध्यान रखना है कि तीन स्टेड, तीन चाकियाँ यानी नट इसमें दिया हुआ है, उसको फिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने टाटा के रोटरी पंप ने देखा होगा, आपने टाटा के रोटरी पंप जब आपने देखा होगा, तो उसी तरह से ये भी सिस्टम दिया हुआ है, कुछ अलग दिया हुआ है। BS4 पंप है ये, तो पता ही होगा आपको, अलग ही होगा। जैसे टाटा का स्टड 13 नंबर का लगाते हैं नट, तो इसमें भी 13 नंबर का दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मेन लाइन मैंने कम्प्लीट कर लिया है। अब इसको रिंच से इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेता हूँ। 19 नंबर का रिंच लगेगा फ्रेंड, ये फिल्टर बॉडी से आपका मेन लाइन इसमें लगाना है। तो यहाँ पे ये मेन लाइन कंप्लीट कर देना है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे वायर लगेगा, ठीक वायर जहाँ पे लगाना है वहाँ पे नीचे ही इसका 19 नंबर का मेन लाइन है, और वायर को पुश करके लगाना है, यानी आसानी से बैठाना है, ज़्यादा उसको जोर नहीं देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑयल पाइप फिटिंग करने वाला हूँ, जो कि 15 नंबर का ऑयल पाइप यहाँ पर बोल्ट दिया हुआ है, 15 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑयल पाइप इसमें लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑयल का मात्रा इसमें रहता है, तो इसके अंदर ऑयल पाइप ध्यान से लगाना है, भूलना नहीं है हमको। तो वायर का सिस्टम ये है फ्रेंड कि उसको पुशिंग करना है, यानी हल्के हाथों से दबाना है, ताकि इसका जो अंदर में पिन जो आता है, पिन बेंड ना हो, यानी इधर उधर टूटने का शिकायत इसमें रहता है। तो इसको आसानी हल्के हाथों से बैठाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अगर जोर लगाते हैं तो इसका अंदर का पिन जो आता है वायर का, वो टूट जाएगा, तो बहुत भारी नुकसान कर सकता है, तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 15 नंबर का बोल्ट ये लगा दिया है ऑयल का, तो इसको भी टाइट कर लेता हूँ, यानी फेस कर लेता हूँ। तो ये फेस करना बहुत बेहद ज़रूरी है, खुला तो रहना नहीं चाहिए, नहीं रखना है, तो इसको भी फेस कर लेता हूँ। तो 15 नंबर का रिंच लेना है और इसको भी फेस कर लेना है, और उसके बाद जो है रिटर्न लाइन का भी बताऊंगा आपको। तो इसको फेस करने के बाद क्या है फ्रेंड, और ये पंप का जो ख़ास बात ये है कि वज़न नहीं है इसमें, और एकदम आसान तरीके से फिटिंग हो जाएगा, खुल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको,
और इस पंप में लॉक का कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ है। इस पंप को अपने हाथों से घुमा सकते हैं, अगर नहीं बैठता है तो उसको आप इंजन को लेफ्ट राइट देकर थोड़ा सा घुमाकर आप बैठा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ऑयल पाइप कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेन पाइप हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया जो हमारा फिल्टर बॉडी से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वायर, ये वायर इसमें लगेगा, तो ये ध्यान देना है। अब इस बोल्ट को खोल लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड रिटर्न पाइप यानी रिटर्न लाइन, जो डीजल का रिटर्न लाइन आता है यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे भी ये रिटर्न लाइन को भी टाइट कर लेना है अच्छे तरीके से, भूलना नहीं है। ये पंप फिट करना बहुत आसान है और इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलेगी फिटिंग करने का और समझने का। अगर नहीं समझ आए तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और अच्छे से वीडियो इसका बना कर देंगे आपको। तो ये अशोक लेलैंड BS4 गाड़ी है और इसको देख सकते हैं, ये ऑयल पाइप को मैंने रिंच से भी कम्प्लीटली टाइट कर दिया। और यहाँ पे जो ये आगे का सिस्टम है, यहाँ पे इसका दो जॉइंट होता है पाइप, तो वहाँ पे भी थोड़ा ढीला किया था मैं ताकि हमारा पंप आसानी से निकल जाए, तो यहाँ से भी टाइट कर लेता हूँ क्योंकि पंप निकालने के टाइम में ये पाइप तकलीफ़ दे रहा था, इसको मैंने ढीला करके थोड़ा सा साइड कर दिया था। और करना भी पड़ेगा आपको जब ऐसा खोलने का समय आएगा, फिटिंग का समय आएगा। तो ये भी कम्प्लीट करने के बाद रिटर्न लाइन को भी टाइट करूँगा। तो ये लेलैंड अशोक लेलैंड BS4 गाड़ी है और इसका जो ख़ास बात है कि फिटिंग करना बहुत आसान है पंप का, कोई पंप का टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, ओनली इंजन टाइमिंग की ज़रूरत है, जो बहुत बेहद आसान है आपको फिटिंग करना, जो इसमें लॉक का भी सिस्टम नहीं दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिटर्न लाइन भी फेस कर दिया इसको बोल्ट को। तो इसमें थोड़ा धूप का कारण यहाँ पे वीडियो थोड़ा कम्प्लीटली सही से नहीं आ रहा होगा फेस। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि हमारा चैनल कैसा लगता है आपको, वीडियो कैसा लगता है। तो ये दो लाइनें जो आपको नोजलों से में लगती है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंप से सिर्फ दो लाइन इसमें निकलता है जो हमारे नोजलों को डीजल देता है। तो ये दो लाइन देख सकते हैं, यहाँ से इसको भी टाइट कर लेते हैं यानी फेस कर लेते हैं। ये बहुत आसान फिटिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, परेशानी नहीं आएगा। और जो हमारे अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से गाड़ियों में कि रिटर्न जो आता है हमारा, रिटर्न पाइप एक लगता है नोजलों के ऊपर, नोजलों के साइडों में लगता है, तो इसमें कुछ खास दिया हुआ है, अलग दिया हुआ है, तो उसको पुशिंग करके बैठाना पड़ेगा यानी हाथों से दबा कर। उसका लॉक भी दिखाऊँगा आपको किस तरह से लॉक है किस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइप यहाँ पर लगेगा रिटर्न, जो यहाँ से डीजल को सप्लाई करेगा रिटर्न से। तो यहाँ पे भी सामने दिख रहा है, यहाँ पे आसानी से 19 नंबर का बोल्ट से टाइट करना है। यहाँ पे रिटर्न बोल्ट भी दिया हुआ है इसके अंदर में। जब आप लोग पंप नोजल खोलते हैं तो इस जो हमारे डीजल लाइन 6 आते हैं उसको अलग नहीं करना है, उसका साथ में निकाल लेना है पूरा ब्रैकेट के साथ में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नोजल लाइन ये रिटर्न का दिया हुआ है, यहाँ पर रिटर्न पाइप भी लगेगा यानी लाइन। अब ये देख सकते हैं ये रिटर्न लाइन जो नोजलों के ऊपर लगेंगे, ये देख सकते हैं इसको आसानी से पुश करना है, बैठ जाएगा। इसको निकालने के टाइम में भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, हल्के हाथों से निकालना है ताकि ये टूटे नहीं। तो ये देख सकते हैं ये हो गया, बैठ गया। अब ये देख सकते हैं लॉक, 6 लॉक आएंगे ऐसे, जो इसको नोजल पाइप जो मैंने लगाया था यानी रिटर्न नोजल पर जो पाइप लगाया था रिटर्न, तो उसमें बैठाना है इसको। उसमें थोड़ा सा इसका ऐसा दिया हुआ है जो हमारा ये लॉक बैठ जाए। अब देख सकते हैं इसको किस तरह से, इस तरह से पुश कर देना है ताकि ये बैठ जाए, ताकि हमारा नोजल पाइप इसमें प्रेशर के कारण निकले नहीं। जो नोजल का रिटर्न पाइप है ये प्रेशर के कारण निकलने का चांसेस है, इसके लिए ये लॉक दिया हुआ है ताकि हमारा निकले नहीं बाहर। इसमें घाट बनाया हुआ है ताकि ये निकले नहीं। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।